यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी सेना ने बमबारी कर रहे रूसी विमान को मार गिराया है, जबकि इस जवाबी हमले में घायल हुए उसके पायलट को पकड़ लिया गया। हालांकि हमला किस इलाके में हुआ इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जंग के मैदान में जो कुछ हुआ उसका वीडियो यूक्रेन ने जारी किया, जिसमें रूसी बमबारी की वजह से एक रिहायशी इलाका धधकता दिखा। बम गिरते ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद आग के शोलों के साथ धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता नजर आया, लेकिन कुछ ही देर बाद हवा में लहराता हुआ एक रूसी विमान धुआं छोड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा। दावा किया गया कि इसे यूक्रेन की सेना ने निशाना बनाया, जो जमीन पर गिरते ही तबाह हो गया और उसका मलबा चारों तरफ फैल गया। इस बीच विमान का पायलट जो बमबारी कर रहा था वो विमान के गिरने से पहले ही पैराशूट की मदद से कूद गया। हालांकि जान बचाने की इस कोशिश में वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे यूक्रेन की सेना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। वहीं एक दूसरे वीडियो में रूसी हमलों की वजह से हुई तबाही का खौफनाक मंजर दिखा। इतना ही नहीं, बमों और मिसाइलों से हुए हमले की वजह से एक पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। तो वहीं यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के एक आधुनिक बीएमपी 3 टैंक पर कब्जा करने का दावा किया। यूक्रेन की सेना की तरफ से सबूत के तौर पर इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिनमें यूक्रेन के कुछ सैनिक रूस के टैंक के पास दिखाई दिए। एक सैनिक तो टैंक के ऊपर चढ़ा नजर आया, इसके बाद वो टैंक के अंदर से रूसी सेना की वर्दी, उनके बैग, हथियार समेत कई दूसरी चीजें निकालकर बाहर सड़क पर फेंकता दिखाई दिया। जबकि यूक्रेन का एक सैनिक सड़क पर बैठकर एक रूसी सैनिक की वर्दी में रखी गोलियों से भरी मैगजीन निकालता नजर आया। एक के बाद एक उसने कई मैगजीन निकाली और फिर उन्हें एक बैग में रख दिया। यूक्रेन ने इसे अपने सैनिकों की एक बड़ी कामयाबी बताया, क्योंकि लेजर गाइडेड मिसाइल और आधुनिक गन से लैस रूस के ये बेहद आधुनिक टैंक पल भर में दुश्मन को तबाह करने की क्षमता रखते हैं।